हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम है अपने खेत में और आज के अपना ब्लॉग अपने खेत से चालू कर रहे हैं। तो ये है मेरा प्यारा सा खेत। और तो अभी मुझे मेरे पैर में चोट लग गई है, ये सर आप तो देख पा रहे हो, यहाँ पर लगी है। तो पता नहीं कैसे लग गई, बट लग गई, लेकिन खून निकला। जब हम खून देखे तो पता चले कि यहाँ चोट लग गई है। तो चलो भैया, अभी हम लगाने जा रहे थे पानी, तो इसलिए चलो आप लोगों को बता दें कि कैसे पानी लगाते हैं नहर से। आज आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा। तो चलो भैया, चलते हैं फुलवार में और लगाते हैं पानी। और यहाँ पे पता है कुछ चिड़िया हैं, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी लग रही है। तो फाइनली हम अभी खेत में और जा रहे हैं पानी लगाने। चलो भैया चलते, आपको लेकर के चलते हैं वहीं पर पानी लगाने ना। ये रहता है कि मुझे रास्ते में दिखा ये खेत जिसमें सरसों बहुत सी लगी है, लगाए हैं पिपरमिंट, लेकिन लगी है सरसों। मेरे खेत में ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं भैया आगे हो जाए क्या मालूम। अभी फिलहाल पानी लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों चला ये, किसी ने पानी लगा रखा है? ठीक है, यही गुलाब है, इससे इधर से पानी मेरे खेत में जाता है, लेकिन इधर किसने लगा रखा है अब ये नहीं पता कि किसने पानी लगाया है। तो चलो भैया मालूम करते हैं, देखते हैं क्या माहौल रहता है। मुझे भी लगाने देंगे या नहीं देंगे, अभी मिलेगा देर में मिलेगा तो सब आपको बताते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहना। तो ये है शहतूत का पेड़, शायद आपको दिखेंगे दो चार कुछ, ये देखो लगे ना। तो ये है शहतूत, इसमें बहुत से पेड़ लगे हैं, सॉरी एक पेड़ में बहुत शहतूत लगे हैं। ये देखो यहीं पर कितने सारे लगे हैं, ठीक है, बहुत से शहतूत हैं इस पेड़ में। तो सोचे थे खाएंगे, तो चलो भैया खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। क्यों शहतूत तो तोड़ लिए हैं, ये दिख रहे हैं आपको शहतूत लगे ना, पक्के नहीं हैं, कुछ पक्के भी हैं बट ये नहीं पके हैं, ठीक है। तो इनको तोड़ लिए फाइनली हम। तो चलो खाते हैं और उसके बाद चलेंगे मालूम करने कि किसने पानी लगा रखा है, ठीक है, क्यों लगाया है और किस चीज़ में लगाया भी बता देंगे, ठीक है। तो चलो, ये पानी पता है कहाँ जा रहा है? पानी जा रहा है भैया के खेत में, क्योंकि उन्होंने अपने तालाब में पानी लगा रखा है। उनका तालाब में पानी पड़ गया था कम, इसीलिए शायद, और उनके तालाब में मछलियाँ भी हैं, तो शायद उसी लगा रखे होंगे पानी वहाँ पर। और हम बोले हैं कि अगर हो जाए, हो सके तो मुझे रात में दे देना, क्योंकि हम रात में सींच लेंगे, ठीक है, क्योंकि रात में सही रहता, धूप भी नहीं लगती और काम भी चलता रहता है। अरे बस नींद तो आती है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी भी सोते उठे हैं, सो रहे थे। तो दोस्तों अभी मैं ना थोड़े बहुत कपड़े पहन लिया हूँ, सॉरी कपड़े पहने थे पहले से ही, लेकिन थोड़े बहुत टी शर्ट डाले ऊपर, ठीक है। तो अभी हम सोकर उठे थे, ठीक है, और अभी जा रहे हैं खेत, क्योंकि देखना पानी हुआ या नहीं हुआ। और अभी टाइम हुआ अराउंड 3:30, हाँ इतना ही हुआ होगा, ठीक है। तो हम सो के उठ चुके हैं और जा रहे हैं खेत देखने पानी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जैसे सुबह गए थे तो नहीं आया था, दूसरा लगाया था, तो आप देखे मालूम कर तुमका हो गया या नहीं हुआ। वो बोले थे शाम तक तो शाम तो होने वाली है ना, तो अभी देखे चल के क्या हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चलो और चलते हैं। दोस्तों अभी हम फिर आ चुके हैं अपने खेत में एक बार और, क्योंकि अभी जाना हमें जहाँ बताए थे, आप लोग तो पता ही है। इसमें आज दवाई भी छोड़नी है, ये मेरे मिर्चे थोड़े बड़े हो रखे हैं अब तो थोड़े बहुत बड़े हो गए, नहीं तो पहले जानते हो कैसे थे, एकदम छोटे छोटे थे, तो अभी थोड़े बड़े हो गए। तो चलो भैया चलते हैं वहीं पर, देखते पानी आएगा या नहीं आएगा। कोई चीज़ दिखाएं, ये देखो भाई, ये सारस देखे, ये है, ये तो मेरे खेत में रहती है, यहाँ आस पास वाले खेतों में रहती है, पता है। तो मैं गुलाबा के साइड में यहाँ पर पानी अपनी तरफ घुमा दिए हैं, ये पहले इधर जा रहा था लेकिन अभी इधर घुमा दिए, ठीक है। तो और नहर में जाना पड़ा था अंदर पिल के, देखो यहाँ तक पूरी बहन भीग चुकी है, ये यहाँ तक, और नीचे देखो पूरा पूरा लोबर भीग रखा है, ठीक है। तो चलो भैया चलते हैं खेत को और देखते हैं वहाँ बंदा ना लगाना है, चलो लगाते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आ चुका मेरे खेत में पानी, ये आप लोग देख पाएंगे, ये है खारजा, ठीक है। तो इसी खारजा से यहाँ से होकर के और इस मेरे खेत में जाएगा पानी, तभी थोड़ा हो चुका है आप लोग देख पा रहे हो, और बहुत ही जल्द मेरा खेत भी पूरा हो जाएगा, रात लगेगी सुबह तक हो जाएगा, क्योंकि रात तो हो ही जाएगी वहाँ तक खेत दूर तक। तो मुझे उम्मीद है कि दिखा तो नहीं पाए यार, क्योंकि अकेले थे हम यहाँ पे, कोई दूसरा वीडियो बनाने वाला नहीं था, नहीं तो आपको नहर पे दिखाते कैसे क्या हुआ, और यहाँ पे जो बांधे वगैरह हैं और इसे काटे हैं ये भी सब दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो चलो भैया पानी लगाते हैं, क्यों दोस्तों पता है आपको गर्म बहुत हो रहा है, ये बात है, ठीक है। तो अभी मैंने बताते कपड़े और इधर पानी वानी हो रहा है धीरे धीरे ये, और अभी दिन है लमसम 2 घंटे का, तो तब तक के हम यहाँ रहेंगे और उधर वहाँ पे काट रहे हैं अम्मा पापा और अंशु गेहूँ, ठीक है, और हम लगाए हैं पानी। मुझे भी गेहूँ काटना चाहिए लेकिन हम पानी लगाए, ठीक है। तो चलो भैया पानी लगाते हैं और आपसे बातें करते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। गाइस अभी मैं आया था घर, क्योंकि पानी लेना था, ये इसमें पानी इसके अंदर, आप लोगों को यह मैं समझ रहा कि पेप्सी वगैरह है, ठीक है, ये क्या है स्प्राइट इसमें आती है ना, तो वो नहीं है, ठीक है, बाकी है इसमें पानी।
जो अनुजी ने मंगवाया था और पापा लोग काट रहे हैं गेहूँ, तो उनको भी पीना है ना, तो इसमें शायद पी लेंगे, शायद कम है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पी लेंगे। ठीक है तो चलो चलते हैं खेत, क्योंकि यार काम लग रहा है कि सर बस 2-3 दिन का काम और बता ज़्यादा, क्योंकि जब से गेहूँ कट जाएंगे और भूसा घर आ जाएगा उसके बाद से काम है लेकिन कम है, पता है। तो चलो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत काम है वो करते हैं। तो अभी हम कट गए हैं, ये पता है आप लोगों को काटे गेहूँ ये वाले, तो हम कट गए बहुत ज़्यादा, ये जा रहे हैं पट्टी बनवाने। दोस्तों अभी पट्टी वट्टी तो करवा चुके हैं, ये हाँ तो देख लो पट्टी चोट लगी थी ज़्यादा, कट गई थी ज़्यादा, ठीक है आप लोग तो देखे थे। तो पट्टी वट्टी हुई, एक सुई भी लगी, दर्द का ट्रीटमेंट वाली सुई होती वो दर्द भी बहुत करती, तो वही लगी। और बाकी दाढ़ी वाली सेट करवाए हैं क्योंकि तिलक में जाना है, तो जो तैयार होते हैं और निकल लेते हैं। अगर दोस्तों बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, साइकिल हमारी चौथे पर रह गई थी, यहाँ गए तो पट्टी करवाने, चलो भैया लेकर आते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो दोस्तों फाइनली अपनी साइकिल ले आए हैं, ये मेरी साइकिल, चलते हैं सीधा घर। शादी में ये शादी का घर कल आपको दिख रहा होगा, पता दोस्तों बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि डीजे वीजे बज रहा है, बाकी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो अभी हम आए हुए छत पर, यहाँ बैठे हुए आराम से, और यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत वीडियो शूट करना ना इसीलिए। चलो भैया अब मिलते हैं आप लोग खाना खाते समय, ठीक है चलो खाना खाते तब मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों अभी हम अपने खेत में और आप हाली इस ब्लॉग को एंड करने वाले हैं, क्योंकि शादी में गए थे खावा कर आ गए हैं, और अभी लगा हुआ पानी शायद आपको दिख रहा होगा, तो आधे से ज़्यादा खेत हो चुका है और अभी जितना भी बचा है वो भी हो जाएगा। अभी बजे अराउंड सुबह के एक, नहीं सॉरी रात के एक, पता है रात के एक बजे अभी, और रात के एक बज चुके हैं और अभी आधे से ज़्यादा खेत हो चुका है, यानी कि सुबह 4 या 4:30 बजे तक खेत, 5 बजे तक खेत हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अभी ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।